अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एस ए पिजन लॉफ। ये जो हम एस ए पिजन लॉफ हमेशा हमारी छत पे बनाए थे, ये टाइम हम आए मुजफ्फरनगर में शहजाद मंसूरी के छत पे, और आज हम उनको उनके कबूतरों का शौक करा रहे हैं देवबंदी, जो कि ओरिजिनल ओल्ड ब्रीड है। आप लोग देखिए, शौक करें और मुझे बताना कैसा लगा। आप ये वीडियो पूरे से पूरा देखिए, क्योंकि ये जो देवबंदी नस्ल बता रहे हैं बहुत ही आला और बहुत ही उम्दा है। तो चलिए उनके कबूतरों के पास चलते हैं। चले हिंद। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ये है मुजफ्फरनगर। हम लोग जिनकी छत पे आए उनका नाम है शहजाद भाई, जिनके घर के हम आपको देवबंदियों का शौक कराएंगे। आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे बहुत ही बहुत ही बहुत बेहतरीन दोस्त है, जो अपने घर के जातमान कबूतर, जो खानदानी कबूतर होते हैं, वो रेयर नस्ल बचा के रखे हैं और वो आपको शौक कराना चाहते हैं। ये शौक के लिए ये हमारे शहजाद भाई। अस्सलामुअलैकुम, ये हमारे शहजाद भाई मुजफ्फरनगर वाले देवबंदी की, ये इनके भाई आदिल भाईजान। अस्सलामुअलैकुम। और ये इनके उस्ताद, जिन्होंने कबूतरों को संभाला है अपनी जान से ज्यादा, इनको औलाद कैसा पालते हैं, इनके खाने पीने देखने देखने सब खिदमत ये करते हैं और पुरानी नस्लों को संभाल के रखे भाईजान के। ये हमारे आदिल भाईजान है, आपको देवबंदियों के बारे में कुछ आपको इनकी टॉपिक बताएंगे, ये नस्लें कहाँ से थी, क्या है और क्या नहीं। जी आदिल भाईजान, ये हमारे दादा से चलती आ रही सारी पुरानी नस्लें, सब जितने भी हैं सब यहीं से चलती आ रही है। सब इन्हीं के पट्टे, सब इन्हीं के बच्चे, सब इन्हीं के रहते हैं, सब जितने भी हैं। हमारा बहुत पुराना शौक है। ये कितने साल पुराना आपका शौक? 80-90 साल पुराना शौक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मतलब कि आपके दादा परदादा उनके और ये पूछते चली आ रही है कबूतर, आप लोग बचा के चल रहे हो खानदान में। मतलब आपके जो पहले भी जो भी शौक करते थे। माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ये है हमारे उस्ताद, जो देवबंदी बचाने में, पुरानी नस्लों को, कदीम नस्लों को बचाने में इनका पूरा हाथ है। शहजाद भाई और ये सब भाई है, पूरे खानदान है, ये 50 भाई है भाई, एक कुटुंब है इनका, एक खानदान है और जातवान और माशाल्लाह अच्छी बिरादरी वाले है, मतलब खैर ख्वाह लोग है। शहजाद मुंशी मंसूरी, शहजाद मंसूरी हमारे भाईजान, इनका शौक है देवबंदियों का, ये उस्ताद इनको संभालते हैं, देखभाल सब इनके हाथों में। मुजफ्फरनगर शहजाद भाई नियाजीपुरा वाले, इन भाईजान का है और इनका भी अब हम आपको शौक करा रहे, ये देखिए। ये देखिए, ये इनका देवबंदी मकबू में ब्रीडर पैर है, ये पूरा बड़े कबूतर है, बड़ी खोपड़ी के। अभी हम आपको नर का शौक कराते। ये देखिए माशाल्लाह इनको, ये नर है। अब नर की आंख देखिए, ग्रे आंख में कबूतर है, मैली आंख का कबूतर मकबू में। अब इसकी खोपड़ी देख सकते हो, एकदम ओल्ड ब्रीड में से है। अब आपकी अब इसकी मादी का शौक करा दे। ये मादी है। ऐसे शहजाद भाई के पास बहुत से जोड़े हैं, हम खाली ब्रीडर पैर दिखा रहे, बाकी सब कबूतर आपको छोड़ के दिखाएंगे, जितने भी मकवे में देवबंदी है। और शहजाद भाई का नंबर दिया गया रहेगा, आपको अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी नस्ल के बारे में जानकारी करना है, शहजाद भाई को आप कॉल करें और पूछ सकते हो। ये मादी की आंख आप देख सकते हो, मैली आंख
ये काली रिंग दिख रही है अंदर, मादी का पर देख सकते हो आप। अब ये जोड़ा हम आपको छोड़ के दिखा, अब हम आपको जितने भी मकवे देवबंदी कबूतर है वो छोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए पूरे मकवे आंख में देवबंदी है। कबूतर इतने हैं कि मैं एक सबका एक एक करके शौक नहीं करा पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आप ये शहजाद भाई का शौक देखिए, ये नस्ल इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये कबूतर आपको देवबंद में भी नहीं मिलेंगे, ये देवबंदी जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहे। आप लोग इनकी खड़ान देख सकते हैं, इनके पंजे एकदम खुश पंजे हैं, जामनी पंजे। कबूतर के ये पूरे पर कटे हुए हैं क्योंकि शहजाद भाई ये खाली इनकी ब्रीडिंग करते हैं। आप जो देख सकते हो ये खाली है इनकी ब्रीडिंग। टेरिस पे भी इनका जो शौक है खाली देवबंदियों की ब्रीडिंग के लिए मशहूर है। आप इनको देख सकते हैं कबूतरों की खड़ान। अभी हम इनमें देवबंदियों में सफेद आंख में कबूतर दिखाते हैं। ये आदिल भाई के हाथ में एक सफेद आंख का देवबंदी जोड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी हम नर का शौक करा दें। ये आप देख सकते हैं नर की आंख देख सकते हैं आप लोग, मैली आंख है। आंख के अंदर जो जर्रात देख सकते हैं आप, रिंग देख सकते हो। कबूतर इतने चंचल है कि रुक नहीं रहे हाथ में। ये कबूतर का पर और ये इनके पंजे देखिए, इतने खुश पंजे हैं, जामनी पंजे। अभी मैं इसकी मादी का, क्या बात है, मादी की आंख आप देख सकते हैं, उसकी आंख के अंदर जर्रात आप देखिए कैसे जर्रात, लाल रिंग, फिर सफेद रिंग, फिर काली रिंग, एकदम जो एन में जो पलक के पास की काली रिंग है वो देखिए आप लोग, माशाल्लाह। अब ये जोड़ा हम आपको छोड़ के दिखाते हैं, माशाल्लाह। ये जोड़ों की आप खड़ान देख सकते हैं। मैं नदीम भाई से पूछूंगा, नदीम भाई इंडिया कबूतरों की खड़ान के बारे में आपको कुछ बोलना है? भाई इनको बोलेंगे तलवार कट कबूतर, भाई तलवार जैसे खड़े है ये कबूतर, और इनके खड़े वजूद पंजे देखने लायक है। इनकी जो खड़ान है वो गौर कीजिए आप लोग, इतनी बेहतरीन है, पुराने और कदीम नस्लों में से। ये आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह। ये सब सफेद आंख में देवबंदी, इसमें फीके भी है गहरे भी है। बेहतरीन उमदा लाजवाब पुरानी नस्लों के देवबंद कबूतर ये शहजाद भाई और इनके पूरे परिवार ने जो नस्ल बचा के रखी, इनके बाप दादाओं के जमाने के कम से कम 70 से 80 साल पुराने, ये इनका कहना है कि हमारे बाप दादाओं का शौक था ये, और ये कुछ नस्लें हमारे पास पड़ी हैं। यहाँ से कुछ करीब में देवबंद है, लेकिन देवबंद में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन सज्जाद भाई देवबंदी की
मैं इनको देवबंदी किंग ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, खाली नाम नहीं ले रहा हूँ, वाकई में इतने सारे देवबंदी कबूतर मैंने एक जगह पे तो नहीं देखा। नियाजीपुरा सैजाद मुंशी, ये इनकी जगह है, सैजाद मंसूरी, नियाजीपुरा सैजाद मंसूरी भाई के। ये देवबंदी जर्चों में एक जोड़ा है आदिल भाई के हाथ में, अपने आदिल भाई, ये मकवे देवबंदी जर्चों में है, मकवे आंख में व्हाइट आंख में हमने दिखा है, ये तीसरी नस्ल है इनकी, इनका कलर एक है खाली जर्चों में। अब हम नर का शौक कराते, आप देख सकते हैं ये जो वो अलग जर्चे जो मद्रासियों की आंख होती है वो आंख में नहीं है, अब इसमें भी आप रिंग देख सकते हो माशाल्लाह, जर्रात देखो कबूतरों के अंदर, काली रिंग फिर ऑरेंज फिर पीली फिर काली रिंग, इनका वजूद देखो, इनका साइज देखो भाई, मेरे हाथ में देखो इनका साइज देखो, अभी मैं इनकी मादियों का शौक करा रहा हूँ, मादी की आंख देख सकते हो एकदम कोरी आंख, जैसे नर की आंख थी वैसे ही मादी की आंख, साइज भी मादी वैसे ही है, मादी साइजदार, मादी मोटी खोपड़ी चपटी खोपड़ी माशाल्लाह। अब ये जोड़ा हम छोड़ के दिखाते, ये देखिए पीली आंख में जर्ची आंख में देवबंद जोड़ा, हर तरीके के नस्ल हर तरीके क्वालिटी देवबंद में आपको यहाँ मिलेगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारा डिसीजन था शहजाद भाई के पास विजिट करने का सच में बहुत ही सही डिसीजन था हमारा, यहाँ जो नस्ल मुझे देखने को मिली है मैंने भी अभी तक नहीं देखा था ये माशाल्लाह। अभी हम इनके सब कबूतर जितने भी देवबंदी कलेक्शन है पूरे के पूरे एक साथ छोड़ के दिखा, ये आप लोग देख सकते हैं सब जितने भी देवबंदी कलेक्शन है शहजाद भाई के पास, माशाल्लाह इतने सारे देवबंदी एक साथ मैंने तो अभी तक नहीं देखा भाई, ये आप देख सकते हैं पूरे देवबंदी का दस्तरखान लगा हुआ है, ये देखिए सब एक साथ सजे हुए हैं, ये शहजाद भाई की शान है भाई, जो उन्होंने मेहनत करे ये उनका नतीजा है, बहुत ही मेहनत का फल है ये, ऐसे ही नहीं ये सब आते हैं।